हुए 85 में, तो मेरे बड़े भाई साबर जकी साहब के साथ उनका ताल्लुक था कौमी माज़े आज़ादी की वजह से। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई महराज साहब से, तो मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ। फिर वो आंखों के इलाज के लिए बाहर चले गए, तो मेरे फिर उनसे कभी कभार जब लाहौर आते 87 में बहुत बड़ा जलसा हुआ था इधर लाहौर में मस्जिद आज़म में, तो मैं भी उस जलसे में था। बल्कि महराज साहब को जब मॉडल टाउन से लेके गए मेरे बड़े भाई, तो मैं भी साथ था। 96 में जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, मैं पार्टी का बानी था तहरीक इंसाफ का इमरान खान के साथ। तो जब कुछ 6-7 महीने गुजर गए तहरीक इंसाफ को बने हुए, तो मेरे अक्सर दिल में ये बात होती कि मैं, क्योंकि हम 2-3 बंदे थे वहाँ पे तहरीक इंसाफ में जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और तहरीक इंसाफ के बानी बने, हम लेफ्ट के लोग थे, तो लेकिन ज़्यादातर जमात इस्लामी के लोग इमरान खान के साथ थे, राइटर्स थे और पक्के मजहबी बातें करते थे खान साहब के साथ। तो जब खान साहब कराची का प्रोग्राम बनाते हैं, इमरान खान साहब कराची का प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैं अक्सर सोचता कि मैं इमरान खान से कहूँ कि जब वो कराची जाएँ तो मैं राज साहब से मिलें, लेकिन मैं कह ना पाता। लेकिन एक दफ़ा उनका प्रोग्राम बना तो मैंने उन्हें कह दिया, तो बल्कि वो जो जमात इस्लामी से आए हुए लोग बैठे हुए थे तो वो बड़े परेशान हुए मुझे देख के, तो उन्होंने खान साहब इमरान खान को कुछ कहा। लेकिन बहरहाल इमरान खान कराची गए, उन्हें मिले और इमरान खान ने जब लाहौर आके मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 3 घंटे बैठा रहा खान साहब के पास। तो मुझे कहते यार उन्हें तहरीक इंसाफ में लाओ। मैं खान साहब मैंने आपको मिलवा दिया है, मैं कारकुन हूँ, आप उन्हें इन्वाइट करें और इंशाल्लाह ताला वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। फिर इमरान खान ने उनको दावत दी, वो तहरीक इंसाफ में अपनी पार्टी को उन्होंने मर्ज किया और उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। ख्वाजा सलीम साहब मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, इन्हें पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आज हाफिज बदूद साहब हम में नहीं हैं, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो लाहौर के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे तहरीक इंसाफ के, और अरशद बाट साहब प्रेजिडेंट थे, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था उस वक्त लाहौर का। तो मेराज साहब ने अपनी तकरीरों से, जिस तरह के हम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे हमसे नहीं हो रही थी, क्योंकि इमरान खान इतने कोई सियासी नहीं थे और हम सारे कारकुन थे, कोई लीडर नहीं था हमने से। मेराज मोहम्मद खान साहब की सहर अंगेज शख्सियत और उनकी तकारीर और जलसों को गरमाना, उससे लोग हमारी तरफ रागिब हो गए। पहले तो जब हम जाते थे तो इमरान खान को एक खिलाड़ी समझ के वो लोग हमें देखते जरूर थे इमरान खान को, लेकिन मतलब पार्ट हमारे साथ ऐसे कारकुन काम कर नहीं करते थे। मेराज साहब 2004 तक सेक्रेटरी जनरल रहे, और बल्कि 2002 में इमरान खान ने MNA की सीट भी जीती 2002 के इलेक्शन में। मेराज साहब ने उनके मियाँ वाली के हल्के में बड़ी स्पीचेज की जाके उधर वो जीते, हालांकि 97 का इलेक्शन तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान हार गए थे। तो मेराज मोहम्मद खान साहब को मैंने अपने लड़कपन से उन्हें देखा और उनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासर रहा। बल्कि कई दफ़ा एयरपोर्ट से जब लेने जाते थे हम, मैं भी साथ होता था बड़े भाई के साथ और उनके दोस्तों के साथ, ख्वाजा सलीम साहब या यहाँ पे इजाज खान साहब बैठे हैं, ये भी मेरे साथी हैं, और अरशद भट्ट साहब तो हमारे साथी हैं, लीडर भी हैं, जिन्होंने बड़ी सौगतें बर्दाश्त की। 81 में ये लिबर्टी मार्केट में दोस्तों के साथ मेरे पास, इन्होंने काफ़ी देर, जो दोस्त थे हमारे जो मतलब जिनके पीछे उस वक्त की माशाल्लाह की शक्तियाँ थी, बड़ी देर वहाँ ठहरे, मैंने उनकी वहाँ पे खिदमत भी की 7-8 दिन, फिर वो चले गए और उसके बाद अरेस्ट हो गए। फिर जिस तरह वो बाहर चले गए ज़बरदस्ती बात भी कर गया। तो आज मैं मेराज मोहम्मद खान साहब को यहाँ पे खराज अकीदत पेश करता हूँ, और मैं उनकी उनके लिए उनके रास्ते पर चलने के लिए सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप कौमी महाज आज़ादी भी आप दोस्तों ने बनाई है, मैं समझता हूँ कि उनकी ये पार्टी है उसको चलाया जाए तरीके से, उसमें
बड़े बड़े लोगों को लाया जाए, बड़े बड़े समाज के कारकुन जो पार्टी के जो मतलब एक नजरियाती कारकुन हैं उनमें उनको लाया जाए और उनको इंडिपेंडेंटली उनमें काम करने का उनको हौसला दिया जाए। मैं अशोक भट्ट साहब को समझता हूँ कि ये मैंने क्योंकि इनके साथ काम किया है, मैं देखता हूँ बड़े अच्छे ये तंजीम साज हैं और इसी तरह इसको पार्टी को भी आप आगे लेके जाएं ताकि मेराज मोहम्मद खान साहब का नाम तो उनका जिंदा रहेगा सियासी हलकों में लेकिन उनकी पार्टी भी जिंदा रहेगी। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ गुजार सकता हूँ।